अगर मामला अगर इस क्षेत्र में कोई उठाया है तो बस हम लगातार उठाते रहे विधानसभा में। मेरे पूर्व विधायक हजारीबाग लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इंडी गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने कैरेडारी और पिपरवार क्षेत्रों में रविवार को विधायक अंबा प्रसाद और संजीव बेदिया के साथ दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन मांगा। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ अभियान की शुरुआत अहले सुबह राजा बागी से शुरू हुआ, जहाँ महागठबंधन प्रत्याशी का विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में प्रखंड कांग्रेस कमेटी के केरेडारी के तत्वाधान में प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद बरियातू देवरिया होते हुए मां अष्टभुजे मंदिर कंडाबेर में पूजा अर्चना की गई। पूजा करने के बाद बेलतू जमीरा हेवाई पहरा मनातू पांडू आदि अनेक गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जयप्रकाश भाई पटेल के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में दौरा के दौरान उन्हें आशीर्वाद देने घरों से निकलकर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान सभी गांवों में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और गठबंधन उम्मीदवार जेपी पटेल के प्रति लोगों में रुझान दिखा। जेपी पटेल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए चुनाव में पूर्ण समर्थन का भरोसा जताया। चुनाव प्रचार कर कांग्रेस के पक्ष में हाथ झाप पर वोट करने की अपील की। जयप्रकाश भाई पटेल ने इस दौरान कहा कि हमारे बीच कंपनियां लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं। विधायक और उनके परिवार वालों ने जनता के अधिकार के लिए आंदोलन किया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उनका शोषण और प्रताड़ना करने का कार्य किया गया। केंद्र सरकार के उपक्रम कंपनियां लोगों का शोषण कर रही हैं। अगर मौका मिले तो विस्थापितों के समस्याओं का हल करूंगा और उनकी मांगों को संसद में उठाऊंगा। कोई मामला अगर इस क्षेत्र में कोई उठाया है तो बस हम लगातार उठाते रहे विधानसभा में। मेरे पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी भी संघर्ष की, पूर्व मंत्री श्री हमेशा संघर्ष करते रहे विस्थापितों के। लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विधायक जिम्मेदार है विस्थापन का जो समस्या है उसके लिए, लेकिन गलत किया जा रहा है। अगर विस्थापितों के साथ आज जो अन्याय हो रहा है, अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हम लोग को हमेशा लोगों का समर्थन मिला तो हमेशा उनका साथ लेके लिखते रहे, धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। क्या इस बार देश में कई सारे मुद्दे हैं जो हजारीबाग लोकसभा के हैं। बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए, केंद्र सरकार से कोई भी परियोजना नहीं। आप देखिए कि जितना भी घोटाला हो रहा है, जमीन लूट हो रहा है, विस्थापन नहीं मिल रहा है सही एज में किसी को। जब लोग 10 साल के बाद लोगों का जमीन ले रहे हैं, लेकिन 10-20 साल पहले का विस्थापन दे रहे हैं, तो ये सब अन्याय है। और ये अन्याय अब लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लोग अपना शोषण होने के लिए वोट नहीं करेंगे, अपना हक और अधिकार के लिए इस बार वोट करेंगे।